नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे यूपी की खबरों पर। ग्रेटर नोएडा में कोविड 19 महामारी और आने वाले दिनों में होने वाले त्योहारों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी सार्वजनिक स्थानों, मॉल्स और बाजार और सभी धार्मिक स्थलों यानी कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर कोविड 19 के निर्देशों का पालन करना होगा। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बलरामपुर का दौरा किया। बता दें, बलरामपुर के इमलिया कोडर थारू जनजाति क्षेत्र में दीनदयाल शोध स्थान में आज महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक दिवसीय दौरा है। महामहिम राज्यपाल एक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करेंगी। मैनपुरी के अलाउ क्षेत्र में शौच के लिए गई युवती की गोली मारकर जान ले ली गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। और रैया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। किसान बनकर पहुंचे सीओ मुकेश प्रताप सिंह ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की। जुआ खेलते हुए 23 जुआरियों को पुलिस से गिरफ्तार किया। मौके से 2,10,540 रुपए, एक ताश की गड्डी, 17 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आधा दर्जन चार पहिया वाहन और असला बरामद किया। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल सनातन धर्म को विखंडित कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हिंदू धर्म के नाम पर सनातन धर्म की मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ कुरान पाक की आयतों को लेकर आपत्ति उठाने वाले याचिकाकर्ता वसीम रिजवी के खिलाफ देश भर में गुस्सा फूटा है और हर जगह जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर देवसर के सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदरसा प्रमुख आदिल मियां की अगुवाई में SDM को ज्ञापन सौंपकर वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। प्रतापगढ़ में हादसा हो गया। दरअसल चचेरे भाई के पैदा होने की खुशी में युवक ने हाथ में ही बम चला दिया, जिससे उसकी पांचों उंगलियां उड़ गईं। युवक को गंभीर हालत में परिजन जिला अस्पताल लेकर भागे। हालत गंभीर होने पर प्रयागराज रेफर किया गया। कंदई थाना के अंतर्गत गांव का ये मामला है। संबल में अनियंत्रित ट्रक दीवार तोड़कर घेर में घुस गया, जिसकी चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। यह हादसा ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में हुआ। राजपुरा थाना इलाके में सीमेंट से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर दीवार तोड़ता हुआ घेर में घुस गया था। शक्ति मिशन को लेकर धामपुर के दानी बाई महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दें कि धामपुर SBD कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्य अवनी चौहान ने छात्राओं को जागरूक कर छात्राओं का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में ताइक्वांडो में भी छात्राओं ने अपने हुनर दिखाए। छात्राओं ने कई कार्यक्रम भी किए। ललितपुर में क्राफ्ट मेले में युवकों की गुंडागर्दी देखने को मिली। दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली के तुवन मंदिर मैदान का ये पूरा मामला है। पीलीभीत में लगातार दूसरी बार बाघ की दहशत लोगों के बीच कायम है। बीते दिन वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सूचना पर बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया था, लेकिन एक बार फिर इलाके में लोगों ने बाघ को घूमते देखा, जिसके बाद पीलीभीत में लोगों के बीच बाघ की दहशत जो है वो लगातार बनी हुई है। मेरठ में पंजाब पुलिस ने मेरठ सर्विलांस सेल टीम के साथ मिलकर परतापुर और मोहिद्दीनपुर में छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित और नशीली दवाइयां पकड़ी। परतापुर में पार्क नाम से कंपनी चल रही थी, वहीं मोहिद्दीनपुर में प्रतिबंधित दवाइयों का बड़ा गोदाम बना हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। सपा के 2 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर के समापन सत्र में भाग लेने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं। कार्यकर्ता शिविर में आगामी चुनावों को लेकर किया जाएगा मंथन। औरैया में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। DM और SP ने संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। बूथों पर खामियां दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।